अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, जैसे आज हमारे बहुत ही पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त जो हमारे साथ भी पढ़े हैं और वो आज ईद के दिन मुलाकात करने आए हैं, मोहम्मद अली गांगरो साहब। और माशाल्लाह ये जो है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और बाकी जो है मोहम्मद अली साहब अपने बारे में कुछ बताएंगे। जी मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले सब देखने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज ईद का दिन था और यकीनन सब ने खुशी से ये ईद का दिन मनाया होगा और हमने भी मनाया है और आपने भी बकरे वगैरह उनकी कुर्बानी की होगी और हमारी दुआ है कि वो आपकी कुर्बानी कबूल हुई होगी, क्योंकि ये हमारी शरीयत है और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। सो आपके दिन पर सबको हम पहली दफ़ा ही हम ईद मुबारक दे रहे हैं कि सबको ईद मुबारक हो। उसके बाद ये फारूक अली इसरान साहब जो मेरे बचपन का दोस्त है, जिसके साथ हम इन गलियों में और यहाँ पर हम खेले और कूदे हुए हैं और हमने यहाँ पर बचपन गुजारा है और बहुत सारी यादें हमारे साथ हैं। उन यादों में यही है कि मैं एक दो शेर ज़िंदगी के मुताबिक, ज़िंदगी के लिए जिन्होंने कहा है कि ज़िंदगी क्या है। किसी शायर ने कहा है कि ज़िंदगी पल पल ढलती है, ज़िंदगी पल पल ढलती है जैसे मुट्ठी रेत से फिसलती है, जैसे मुट्ठी रेत से फिसलती है। ज़िंदगी में हैं शिकायतें बहुत, ज़िंदगी में हैं शिकायतें बहुत, फिर भी मुस्कुरा के जीना पड़ता है क्योंकि ये एक बार मिलती है। और वाकई ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलातें भी हैं, शिकायतें भी हैं, लेकिन वो बहादुर आदमी कहलाता है जो इस सारी ज़िंदगी में मुश्किलातों का मुकाबला करता है और फिर वो हंस के जीता है। और ये ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, उसके बाद आपको कोई भी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। सो इस ज़िंदगी को हंस कर गुजारो और मेहनत में गुजारो, जिससे आपका नाम भी हो जाए। और मुझे किसी हमारे दो उर्दू के शायर हैं, उनके दो अशार याद आ रहे हैं कि फारूक साहब, दिल और आँखों की आपस में बातें चल रही थी, तो दिल कह रही थी आँखों से कि तुम भी देखा करो कम, तुम भी देखा करो कम, देखती हो तुम रोते हैं हम। क्या बात है, जबरदस्त। वो कह रही है कि आँख को कह रही है कि तुम तो देखने का काम करती हो। और उसके बाद जो दुख होता है या कोई बिछड़ जाता है तो उसके बाद रोती तो दिल बेचारी है, रोती भी दिल बेचारी है। और वो कह रही है कि तुम भी देखा करो कम, देखते हो तुम तड़पते हैं हम, दिल तो तड़पने का काम करती है, फिर आँखें दिल को कहती हैं, वो उसको कहती हैं कि तुम भी चाहा करो कम। आँखें जो हैं फिर उसको कहती हैं तुम भी चाहा करो कम, चाहती हो तुम रोते हैं हम। आँख फिर रोती तो फिर आँख है ना, दिल का काम है तड़पना और आँख का काम है रोना। सो उसी लिए इन दोनों चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है और हमें अपने दिल पर भी काबू होना चाहिए और अपने आँखों को भी देख देख कर और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आज के दिन सबको ईद मुबारक कहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने आज कुछ जुमले आपके सामने हमने बातें की हैं या हमने बताए हैं, उन पे आप अमल करेंगे। बिल्कुल, आमीन। थैंक यू।